नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्य। साइबर सिटी गुरुग्राम के सोहना चौक पर स्थित एक हार्डवेयर की दुकान पर भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसने 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डीसीपी गुरुग्राम दीपक सहारण ने बताया कि शाम करीबन 6:30 बजे सोहना चौक स्थित सुमित हार्डवेयर की दुकान पर भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरे इलाके में काले धुएं का गुब्बारा बन गया। गनीमत यह रहा कि इस हादसे में कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस आग में करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वही दमकल विभाग ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने के कारणों का कोई पता नहीं चल सका है। जिसके अंदर की आग लगी है, तकरीबन 3-4 दुकानों पर क्षति पहुंची है। औरों में भी अभी एसेस किया जाएगा कि क्या नुकसान हुआ है। बाकी दमकल विभाग अपना पूरा कार्य कर रहे हैं, साथ में पुलिस उनके जुटी हुई है, सिविल डिफेंस के अधिकारी जुटे हैं। तो जिन दुकानों में आग लगी है, किस तरह की दुकानों की क्या पहुँचा? एक तो हार्डवेयर की दुकान है, जहाँ से कि इसका बताया जा रहा है कि शुरुआत हुई थी। बाकी तो जाँच का विषय है, पता चलेगा बाद में कैसे लगेगा। कितने दमकल विभाग की गाड़ियाँ अभी तक? काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आ चुकी हैं। दमकल विभाग की गाड़ियों की कोई कमी नहीं अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है। किसी के हालात होंगे अभी तक हमारे संज्ञान में। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।